सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम किया टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल। न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई बल्कि इसके अलावा कई और गैंगस्टर्स के नाम भी इसमें हुए शामिल। ये पूरा माजरा क्या है आपको बता देते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। दरअसल एनआईए ने अब आतंकी संगठनों से किसी भी तरह का रिश्ता रखने वाले ऐसे कई गैंगस्टर्स की सूची तैयार की है और पुलिस अब अपना चाबुक इन पर चलाने के लिए एकदम तैयार है। दिलचस्प बात जानते क्या है कि इसमें ज्यादातर हिंदू हैं, यानी कि ना अब हिंदू बचेगा ना मुसलमान बचेगा। जो भी अपराधी है उस पर शिकंजा कसा जाए। अब एनआईए उन सभी पर शिकंजा कसने के लिए तैयार है जिसका वास्ता किसी भी तरह से देश विरोधी गतिविधियों में रहा है। हाल फिलहाल जिन गैंगस्टर्स के नाम इसमें शामिल किए गए हैं वो मैं आपको बता देती हूं। लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, काला जठेड़ी के अलावा गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, विक्रम बराड़, काला राणा, राजू बसोड़ी, अनिल चिप्पी और शाहबाज अंसारी के नाम इसमें दर्ज किए गए हैं। टेररिस्ट की इस लिस्ट में इस तरह के नाम पहली बार देखे गए हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि सभी हिंदू नाम उसमें शामिल हों। चार्जशीट में यह भी कहा गया कि इन सभी आरोपियों के पारिवारिक सदस्यों की भूमिका की जांच भी अभी जारी है। दाखिल चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई के संबंध दूसरे देश में बैठे खालिस्तान के समर्थक दल्ला के साथ साजिश रचने का आरोप भी है और इनमें से कुछ गैंगस्टर्स पर पाकिस्तानियों के साथ संबंध रखने के आरोप भी लगे हैं। अब द बिग बेंच पर बैठ के सोचने वाली बात यह है कि सरकार की पॉलिसी एकदम क्लियर है। सरकार आतंकवाद में लगे लोगों को हिंदू या मुसलमान के चश्मे से नहीं देखेगी और जो कोई भी इस देश के खिलाफ साजिश रचेगा उन पर शिकंजा कसा जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है आप भी हमें लिखकर भेजें कमेंट सेक्शन में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच डेली।